हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम पढ़ रहे हैं नियम और कृपा के बीच में फर्क, सही है ना? क्या पढ़ रहे हम? प्रेम के बारे में पढ़ रहे, आत्मा का नियम। नियम जो है हम अपने मेहनत से करते हैं, और अनुग्रह जो है ईश्वर करता है, उस पर हम विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम जाएंगे ल्यूक 15 में देखने के लिए कि यीशु कैसे समझाते हैं नियम से जो जीता है वो कैसे जीता है, और अनुग्रह से जो जीता है वो कैसे जीता है। ल्यूक 15, एक मिनट, ये जो प्रभु बोलता है दो बच्चों के, दो भाई के बीच में कि जो दृष्टांत देता है वो क्यों देते हैं? ग्यारह से चालू होता है, सुनिए। प्रभु यीशु एक दृष्टांत देता है कि दो भाई हैं, दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, उसके बारे में दृष्टांत देता है। क्यों देता है? क्यों देता है? 100 मेंढरे हैं, उसमें से एक गुम होता है, उसके पीछे भागता है ढूंढने के लिए, और जब वो मिलता है बहुत आनंद होता है। दूसरा एक स्त्री है जिसके पास गले में चेन है जिसमें 10 कॉइन्स है, लिखा है ना, चांदी के सिक्के हैं, उसमें से एक खोता है, तो ढूंढती है। जब तक उसको मिलता नहीं तब तक वो ढूंढती है, और जब उसको मिलता है तब क्या होता है? बहुत आनंद होता है। ये सब दृष्टांत किसको बोल रहा है? सबसे पहला वचन देखिए किसके लिए बोल रहा है ये दृष्टांत, कि दो बेटे हैं, एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा, उसके बारे में किसको बोल रहे हैं प्रभु? पढ़िए वचन नंबर 1। ईसा का उपदेश सुनने के लिए, नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। कौन आया करते थे? ठीक है, और फारिसी और शास्त्री यह कहते हुए गुनगुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग हैं जो पाप में डूबे हैं, दूसरे हैं जो फारसी है, शास्त्री है, जो वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। तो धार्मिकता कौन सा दिखता है? जो पढ़ते हैं सुनते हैं वो धार्मिकता दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो प्रभु यीशु अभी दिखा रहे हैं कि असली धार्मिकता कौन है और ये धार्मिकता का जीवन कैसे मिलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु जब ये दृष्टांत बताते हैं 11वां वचन में,
पढ़िए, पढ़ते जाइए नीचे तक। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है, संपत्ति का जो भाग मेरा है, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। और पिता ने उसने और पिता ने उन्हें अपनी संपत्ति बांट दी। और पिता ने उन्हें अपनी संपत्ति थोड़े दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूसरे देश चला गया। और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा ली। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने ले गया। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था। लेकिन कोई उससे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुम्बन किया। तब पुत्र ने उससे कहा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी अंगुली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। हम खाएं और आनंद मनाएं क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और जी उठ गया है या हो गया था और फिर मिल गया है और वे आनंद मनाने लगे। प्रेज गॉड। अब ये उदाहरण, ये दृष्टांत जो दिया है, क्या ये बेटा नियमों से चल रहा था? नियमों के विरुद्ध गया, दूसरे देश में गया, पाप की जीवन दिया, उसका फसल आया, पूरा ख़त्म हो गया। अब उसको होश आया, कब होश आया
जब वो समस्या में था। ऐसे ही मेरे को एक उदाहरण मालूम है कि एक माँ मुझसे कह रही थी, अकेली माँ है, पिता नहीं है, मेरे बेटे को जापान जाना है पढ़ाई करने। तो हमने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना करने से उसको जापान का वीज़ा मिल गया और पहुंच गया वह जापान, और 8 महीने में माँ ने दिए हुए पैसे को सब उड़ा दिया। पढ़ाई के लिए गया था, पहुंच गया ड्रग्स में, और जापान में अगर ड्रग्स मिलता है वो कभी जेल से बाहर नहीं निकलता है, उसको बचने का मौका ही नहीं है। और ये लड़का ड्रग्स बेचने लगा, आज तक हमको नहीं मालूम, उसको जेल में नहीं डाला लेकिन उसको डिपोर्ट करके वापस भेज दिया। उस दिन से हमको समझ में आया कि हम जब प्रार्थना करते किसी के लिए, ए प्रभु इसको नौकरी दिला दे, सही है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नौकरी दिला दे कि नौकरी के पहले इसकी पहचान करा दे यीशु के साथ। अभी हमारी प्रार्थना कौन सी होती है? उस दिन से हम सीख गए कि हमारी प्रार्थना में सबसे पहले मैं प्रार्थना करूँगा कि प्रभु इसकी पहचान आपके साथ हो जाए, तब वो जब नौकरी करेगा सही रास्ते से चलेगा, गलत रास्ता नहीं जाएगा। लेकिन वो माँ का प्रार्थना है कि बेटा वापस तो आया लेकिन पूरा ड्रग एडिक्ट बन के आया। उसी तरह ये लड़का भी अपने पिता को नहीं पहचानता है, पिता को इतना ही पहचानता है कि मेरा पिता मेरे को नियम रखता है और इस नियम से नहीं चलेगा तो मुझे डांटता है, मुझे ये नियम में नहीं जाना है, मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी अच्छी है कि नहीं? हम सबको आज़ादी चाहिए कि नहीं? क्या गुलामी चाहिए? लेकिन आज़ादी को अगर बाउंड्री नहीं रहेगा वही आज़ादी आपको बर्बाद कर देगी। तो ये जब तक अपने पिता के घर में था इसका जीवन अच्छा था, लेकिन इसका हृदय घर में था कि दूसरे देश में था? तो पिता ने इसको रोका, जाने दिया, क्योंकि पिता जानता था कि ये जो रास्ते से जा रहा है ये रास्ते में दिखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका अंत भयंकर है। कभी कभी आपने ये डायलॉग सुना है, अगर तू इस रास्ते से ये जो रास्ता है, ये जो लाइन मैंने लगा है, इस लाइन को पार करके जाएगा तो वापस कभी नहीं आना, हम सब तुम्हारे लिए मर गए हैं, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। सुना है ऐसा डायलॉग? ऐसा होता है। अगर वो व्यक्ति की गलती हो गई, जैसे ये लड़के की गलती हो गई, अगर उसके पिता ने बोला होता तो क्या ये वापस आ सकता है? कितने लोगों ने आत्महत्या किया है क्योंकि जो घर में जो है उन्होंने उनको पहले से बोला है, अपने इच्छा से जाता है, वापस लौट के नहीं आना। और जब वो दरवाज़ा बंद होता है, जो वो लौट के आ सकता है, पश्चाताप कर सकता है, अपना जीवन बदल सकता है, लेकिन हम जब वो दरवाजे को बंद कर देते हैं उसी दरवाजे को शैतान मौका उठाता है और कहता है तेरे घर वाले लोग तेरे को वापस स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा है, एक ही रास्ता है, आत्महत्या करना, नहीं तो ये सुअर के साथ रहना और सुअर का खाना खाना। तो जब कोई टूटता है तब उसको होश आता है, उसको समझ में आता है, एक्सपीरियंस होता है कि मैंने जो सोचा था ये रास्ता अच्छा है, इस रास्ते का फल बहुत भयंकर है। वो सिक्के अभी भी पड़े हैं, किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, फादर भी हाथ नहीं लगाता है, मालूम है ना सिक्के? शैतान आज भी बोलता है उठा ले उठा ले, और जिसने उठाया वो सोचता है अच्छे सिक्के चांदी के हैं, मजा लूँगा, लेकिन जब फसल आता है बोलता है मेरी ज़िंदगी वापस दे, और शैतान बोलता है मुझे उससे क्या, तू देख ले तेरा। तो ऐसे ही होता है ये लड़के का, लेकिन इसके पिता इतना समझदार हैं
ये जानता है ये टूटेगा ज़रूर और इसके लिए उसका दरवाज़ा खुला रखता है, झगड़ा भी नहीं करता है, बेटे से झगड़ा नहीं करता है। इसको सही शिक्षा देने के लिए पिता उसको जो मांगते हो देता है और बोलते हैं तू जा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही बेटा तकलीफ में आता है, पहले बार ज़िंदगी में वो अपने पिता को पहचानता है। पहचानता क्या है, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पिता के घर में भी लोग नौकरी करते हैं, लेकिन मेरा पिता उनकी इतनी देखभाल करता है कि उनके पास रोटी भी है, अच्छाई भी है, और मेरा पिता उनको भलाई से देखता है। तो ये वापस तो लौटता है, लेकिन क्या सोच के लौटता है, बेटा बनकर कि नौकर बनकर? क्या लेकिन पिता ने उसको नौकर बोल के स्वीकार किया कि बेटा बन के? अब बताइए, ये लड़के ने कुछ भी अच्छा कार्य किया नहीं, लेकिन जब वो वापस आता है क्या पिता उसकी कार्य को देख के डांटता है, टुकराता है, दंड देता है? इसी को बोलते हैं अनुग्रह। यीशु बोलता है मेरा स्वर्ग पिता इस धरती का पिता जैसा नहीं है, धरती के लोग जैसा नहीं है। भले इसने मेरी सारी संपत्ति खत्म की, लेकिन मुझे उस संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरा बेटा वापस चाहिए। यह है ईश्वर का प्रेम। भागता कौन है, बेटा भागता है कि पिता भागता है? पिता भागता है। बीच बाजार में एक बुढ़ा आदमी भागता है तो क्या सब लोग देखेंगे? लेकिन पिता भागने में शर्म आता है? सारा मार्केट में सारे लोग देखते रहेंगे, अरे ये बुढ़ा कहाँ पे भाग रहा है? अगर बच्चे भागेंगे कोई ध्यान नहीं देगा, युवक भागेगा कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर बुढ़ा आदमी भागता है सब देखेंगे। क्या पिता को शर्म आई? तो जैसे उसने बेटे को देखा, सुअर का भास मारता रहेगा, सुअर के साथ ही रहता था ना, उसी के घर में रहता था ना, पिंजरे में उसी का खाना खा रहा था ना, तो क्या पिता ने उसको देखकर भास लगा लेकिन उसको टुकराया, गले से लगाया, चुम्बन लिया, क्या पूछा क्या तू मेरे पैसा क्या किया वो पहला बोल? इसको बोलता है अनुग्रह। हमारे से करोड़ों गलती हो गई, पिता आज भी हमको देखता है कि कब हम यू टर्न मारेंगे। वो हमेशा इंतज़ार में रहता है कि मेरे बच्चे कभी यू टर्न मारेंगे, और एक कदम भी अगर यू टर्न मारा पिता के डायरेक्शन में, पिता दौड़ के आएगा। अभी आप लोग इधर नौकरी करते हैं कि नहीं? तो जब नौकरी करते हैं और आपको नौकरी छोड़नी है, जाके अपने मालिक से परमिशन लेना पड़ता ना, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, कुछ बोलना है ना। प्रभु यीशु यहाँ पर सिखाता है, जब ये बेटा यू टर्न मारता है उसके जूने मालिक के पास भी नहीं जाता है बहुत बात करने के लिए, और उसका जूना मालिक उसको रोक भी नहीं सकता है। यही सत्य है, भले हम कितना भी पाप किया हो, कितना भी काम उल्टा सीधा किया हो, लेकिन जिस दिन अपने निर्णय लिया मुझे मेरे पिता के घर जाना है, शैतान आपको रोक नहीं सकता है, ना उससे हमको परमिशन पूछना है कि मैं आज तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ। नहीं, उसके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं। उठो, यू टर्न मारो और बोलो मैं मेरा पिता के घर जा रहा हूँ, मुझे इस ज़िंदगी नहीं चाहिए, ये ज़िंदगी बेकार है, नर्क की ज़िंदगी है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। और एक कदम भी लिया पिता के डायरेक्शन में, पिता दौड़ कर आकर तुम्हें गले लगाता है। आप अगर पिता है पूरी ज़िंदगी अपने मेहनत से संपत्ति इकट्ठी की और आपने बेटे को दे दी, अब बेटे ने एक साल में पूरा उड़ा दिया, और अब दूर से दिख रहा है भिखारी जैसा कोई आ रहा है, अब पता चला मेरा बेटा है, कि
क्या उसको स्वीकार करेगा कि पहले पूछेगा कहाँ गया था, क्या किया, कहाँ गया था, सब उड़ा के आया, सीखा, बोला था ना, हाँ सब सीख गया, होशियार था ना, कमा के दिखाऊंगा, कुछ बोला, यही पिता है। हमारे दिमाग में क्यों ऐसा सब बात आता है, क्योंकि हमारे इधर सारे लोग अगर कुछ दिया तो सुनाता है, नहीं सुनाते, चारा न देगा कम से कम 10 रुपया सुनाएगा, लेकिन पिता कुछ सुनाता है, स्वीकार करता है, जैसे उसने बोला मेरी गलती हुई है, स्वीकार किया, स्वीकार करके क्या किया, सबसे पहले गले लगाया, चुमन दिया, सब हो गया, बाद में क्या, अपने नौकरों को बोला, क्या बोला, कपड़े पहनाते हैं, कपड़े पहनाए कि चादर उड़ा है, कौन सा चादर, हाँ धार्मिकता का चादर पहले चढ़ाता है, क्योंकि मेरा बेटा पाप में गिरा था, पिता ने उसको क्षमा किया और उसका स्वभाव ही बदल दिया, ये यीशु बोल रहा है। आप बताइए इसमें उसने कोई कमाई की, कोई अच्छा पुण्य का काम किया, तो इसको वापस घर में कैसा रास्ता मिला, दया से, प्रेम से, अनुग्रह से, चलो क्षमा तो किया और बोला चल तू बाहर बैठ जा, बाहर बिठा, जो कुछ भी उसने लूट कर ख़त्म कर दिया सब कुछ पिता ने वापस लौटा दिया। दूसरा क्या लौटा है, कौन सी अंगूठी, अरे कौन सी अंगूठी, प्रेम की। जो कोई अधिकारी रहता है उस जमाने में, उसका जो भी पत्र लिखता है वो अंगूठी से उसका सिक्का लगता है, मोर लगता है अधिकार का। मेरे बेटे ने वो अधिकार खोया, लेकिन अनुग्रह ने उस अधिकार को वापस लौटाया। आदम को दिया था अधिकार, शैतान ने बेवकूफ बनाया और अधिकार छीन लिया। यीशु आए, शैतान को पराजित किया और अभी हम लोगों को वो अंगूठी पहनाया है, और उसी अंगूठी से अभी हम बोलते हैं ए पहाड़, ए समस्या, ए बीमारी, मैं तुझसे कहता हूँ जड़ से उकर जा और समुन्द्र में जाकर गिर। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा है वैसा ही हो गया है, और जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही मैं पाता हूँ। अंगूठी दी, तीसरा क्या किया, जूते पहनाए। यही लड़का बगैर जूते का आता है, कांटे चुभ सकते हैं, अरे जिसके जूता नहीं है चल रहा है कांटे चुभ सकते हैं, पत्थर का चोट लग सकता है, तो प्रभु बोलता है मेरा अधिकार मिलने के बाद मैं तुझे ऐसे जूते पहनाऊंगा कि तू जाके अपने पिता का प्रेम पूरा दुनिया में जाकर बताएगा, और जो जो बच्चे लोग खोए हैं उनको रास्ता दिखाएगा, और फिर उनको ले आएगा पिता के घर। और ये जूते हमको दिए हैं, जबकि हम ये जो अभी प्रेम अनुभव कर रहे हैं, अनुग्रह प्रेम अनुभव कर रहे हैं, हम भी जाएंगे गांव में और बताएंगे संसार का पिता और स्वर्ग के पिता में बहुत फर्क है। और यही जूते पहनकर जब हम जाते हैं तो पिता बोलता है मैं तुम्हारा जवाबदारी लेता हूँ, आज से कांटे और पत्थर तुम्हें नहीं चुभेंगे क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूँगा। और चौथा क्या किया, हाँ बछड़ा को मार दिया, पका दिया, प्रेस गॉड,
बेटा तो बच गया, बछड़ा मर गया। हाँ, बेटा तो बच गया, बेटा हंस रहा है, बछड़ा बोल रहा है तेरे वजह से मुझे। हालेलुया। और इस दावत में हम सबको बुलाया है, ठीक है। और एक दूसरे लोग सब बात कर रहे हैं, अरे इसका इसका पिता का बेटा है, 2 साल बाहर गया था, विदेश गया था, कुछ कमा के आया है। कोई बोल रहा है डॉक्टर बन के आया, इसके लिए पार्टी दे रहा है। कोई बोलता है नहीं नहीं इंजीनियर बन के आया, इसके लिए पार्टी दे रहा है। कोई और बोल रहा है, कोई बोल रहा है इसका पिता पार्टी क्यों दे रहा है, बेटे ने बहुत शोहरत कमा के आया है। अरे कोई कोई पिता देगा क्या पार्टी? लेकिन स्वर्ग के पिता पार्टी दे रहा है कि नहीं? तो ये अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह आपको अंधा होने से बचाता है, उजाले में लाता है। जो खोया है उसको सही मार्ग सिखाता है घर आने का। और इसीलिए होता है पार्टी। अभी आप बताइए, ये लड़के ने नियम को पालन किया कि विरुद्ध किया? पालन किया। अरे विरुद्ध किया, इसके लिए सब कंगाल हो गया है। क्या उसको शिक्षा मिली कि पश्चाताप से सब कुछ लौटा दिया? तो हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है, कोई कोई भाग में हुआ है, और अभी भी हम कंगाल हैं। कई कई भागों में हमारी जिंदगी में कंगाल है, क्योंकि शैतान ने वहाँ पर लूट लिया है। और वो वापस भरपाई कैसे होता है? जब हम पिता के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, सिर्फ क्षमा ही नहीं मिलता है, अनुग्रह मिलता है। और जो भाग कंगाल है पिता उसे वापस भर देता है, ताकि हम उस रास्ते में वापस नहीं जाए। और जो भरा हुआ जिंदगी हम जाके गवाही देकर दूसरों को बताते हैं, आओ पिता के घर, पिता तुमको सब कुछ जो लूटा है शैतान ने, जो कुछ लूटा है वो तुमके वापस मुफ्त में देता है, मेहनत करके नहीं, मुफ्त में देता है। इसको क्या बोलता है? अरे इसको क्या बोलता है? अरे इसको क्या बोलता है? तो क्या हमारी जिंदगी अनुग्रह की है कि नियम की है? चलो दूसरे भाई को देखिए, उसका क्या होता है, फिर पढ़िए भाई। उसका जेठा लड़का खेत में था। किधर था? आप लोग बहुत बार किधर मिलते हैं? बड़ा बेटा खेत में था। जब वह लौट कर घर के निकट पहुंचा, तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। उसने नौकर को पूछा क्या? अपने पिता से पूछा, ठीक है। फिर इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। भला कैसा पाया? भिखारी पाया कि भला चंगा पाया? एक मिनट, आत्मा में भला चंगा है, वास्तव में भिखारी नंगा पैर फटे हुए कपड़े भास मारने वाला बेटा पाया है। क्या हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है? मैं 100% बोलते स्टोरी मेरी है। मैं भी घर छोड़ के गया था, पूरा कंगाल होके वापस आया। प्रेज़ गॉड। तो उसके पिता ने क्या बोला वो बड़े भाई को?
मलक क्रोध हो गया। अभी इतना कोई जा रहा है 27 पढ़िए, हमें 27 बहुत अच्छा लग रहा है। उसने कहा अभी तेरा माइक भी बंद हो गया। आपका भाई आया है अरे तेरा आवाज आ रहा है। और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रोध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया। परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया देखिए मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का एक बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं पर जैसे ही आपका बेटा आया जिससे वैश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है इस पर पिता ने इधर तक पास है अभी बताइए ये पिता का क्या पालन करता था कि नहीं, तो ये नियम में है कि नहीं, अच्छा बेटा है कि नहीं, खतरनाक कौन सा है, छोटा कि बड़ा? नियम पालने वाला कौन था, नियम तोड़ने वाला कौन था? लेकिन जैसे उसकी गलती समझ में आई पश्चाताप किया, घर आया, बड़ा बेटा नियम पाल रहा है। ये जूने काल वाला आदमी है कि नया काल वाला है? छोटा कौन सा है, जूने वाला है कि नया वाला है? अब समझ में आ रहा है फर्क? भले ये नियम पाल रहा है, क्या इसके अंदर प्रेम है? स्वर्ग का राज किस पे चलता है? इसके अंदर प्रेम है कि जलन है, गुस्सा है? तो भले आप वचन पालते हैं, वचन को निभाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। आप कौन से वाले हैं, अनुग्रह वाले कि नियम वाले? नियम वाले। तो नियम वाला जब करता है वो हमेशा दूसरे को जज करता है, जो अनुग्रह से चलता है वो याद करता है मेरे को मालूम है मेरा बिल कितना था, प्रभु यीशु ने उसे चुकता किया और माफ़ किया। तो जब वो दूसरे को देखता है वो उस पर उंगली नहीं उठाता है, क्योंकि उसको मालूम है उसकी ज़िंदगी भी वैसी थी। वो प्रेम करता है, जो किसी को जज करता है वो कभी कि उसके प्रेम नहीं कर सकता है। बड़ा बेटा क्या कर रहा है छोटे बेटे के बारे में? बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। हाँ, गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये तो नियम पाल रहा ना, नियम पाल रहा है कि नहीं? एक मिनट, पिता का आज्ञा पालन करता है कि नहीं करता है? पूरा दिन खेती में काम करता है कि नहीं? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, कौन सा बेटा अच्छा है? लेकिन बड़े बेटे के हृदय में कैसा है? हाँ, तो बताइए हमको कौन सा जीवन जीना है?
जो नियम से जी रहा है वो मेहनत कर रहा है और बोलते ये जो है ना हमने हमारी मेहनत में बनाया है और वो है ना ये देख और इसको देख भिखारी को अब वापस आया ये भी लेने के लिए आया है जो मेरी मेहनत का वो भी लेने आया है और मेरे पिता को भी देख उसने भी उसको घुमा दिया है और मैं इतना कष्ट कर रहा हूँ मेरे लिए तो क्या बोलते हैं बछड़ा बकरी का बच्चा तक नहीं दिया छोटे बेटे को सबको दिया मेहनत कौन कर रहा है एक छोटा बेटा लायक ने उसको लात मार के बाहर निकल इधर कई लोग हैं जो नियम में कितने अच्छे हैं हमको देखते तो कैसे लगता है ये लफड़ेबाज क्लब वाला आदमी चाकू घुमाने वाला आदमी गाली देने वाला आदमी इधर खड़ा रह रहा है और हमको सिखा रहा है अरे इसकी ज़िंदगी तो देख गंदी जिंदगी सही बोल रहे हैं हमारी ज़िंदगी गंदी थी लेकिन जिस दिन हमने पिता का प्रेम को महसूस किया और उनकी दया महसूस की हमारी ज़िंदगी बदल गई ऐसी बदल गई कि अभी पिता के घर से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होता है आज़ादी आज भी है जाने के लिए आज भी है लेकिन आज भी बोलता है ये प्रेम से जो मुझे क्षमा मिली है ये प्रेम से जो मुझे ज़िंदगी मिली है ये प्रेम से जो मुझने खोया था सब लुटा दिया है इस पिता को मैं छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता हूँ बड़ा बेटा क्या बोलता है आप बोलिए अभी आप कौन हैं छोटा बेटा है कि ज़्यादातर बड़े बेटे हैं छोटा है ठीक है यहाँ पर कोई भिड़ा अंदर आया और आप लोग सब बैठे हैं ऐसे ऐसे घूम घूम के आया सबसे पहले मुंह में क्या आता है इसको चर्च में इसको इसको चर्च में आने किसने दिया अरे इसको चर्च में आने किसने दिया मैं पूछता हूँ चर्च तेरे बाप का है चर्च तो मेरे बाप का है हम सबका बाप का है इधर आना का हक हम सबको है और वो ईश्वर है जिसने उस शराबी को अपने घर लाया क्योंकि प्रभु उसको बदलना चाहता है तो हम उसको आशीर्वाद दे रहे कि पूरा चर्च मिलके श्राप दे रहा है तो बड़े भाई ज़्यादा है कि छोटे भाई ज़्यादा है एक औरत है पूरे गांव में मालूम है ये पाप करती है अब प्रभु उसको चर्च ले आता है बाकी क्या औरत लोग चश्मा लगा के क्या कर रहे हैं नहीं देख इसको अंदर आने किसने दिया उसके बाप ने दिया है क्योंकि उसके बाप ने उसको बुलाया अपने घर में सिस्टर ऐसा हो सकता है हाँ हो सकता है कि होता भी है तो शायद हम यीशु के चश्मा लगा के देखते हैं कि बड़े भाई के चश्मा लगा के देखते हैं एक दूसरे को बड़े भाई का चश्मा फुकट में मिलता है और बहुत लोग लगाते हैं कि नहीं हमारा जब रिएप था ना उसमें हम बोलते थे उन लोगों को तुम यहाँ से जाने के बाद ज़िंदगी में तुमको बहुत अपमान होगा ये होगा अगर तुमने बॉटल लगा दी मुंह पर और तुम गिर गए वापस उधर रहना नहीं तुरंत भाग के आना घर में ये तुम्हारा घर है रुकने का नहीं तुरंत भाग के आने का और यहाँ पर कोई तुमको प्रश्न नहीं पूछेगा तुम गिरे क्यों क्या हुआ क्यों जा जैसे ही तुम आएंगे ना यहाँ के हम सब लोग तेरा स्वागत करेंगे गले लगेंगे एक एक भाई जो अंदर है
तुमको चुमन देगा लेकिन भार नहीं गिरा लेने का। मुझे पूछना है, जब शराबी गिरता है सबको दिखाई देता है? अरे दिखता है कि नहीं? हमारा जासूस वाला गुप्त में होता है लपड़ा, वो किसी को दिखता है क्या? वो कितने बार गिरता है? ए बोलना बोलना। तो जिसको माने मैं कितने बार गिर रहा हूँ, तब वो दूसरे को देखता है तो उसके ऊपर कंडेमनेशन नहीं आता है, सिर्फ दया आता है और बोलता है यार तू और मैं एक ही खानदान के एक ही खाते में, हम दोनों छोटे हैं, चलो जाएंगे पिता के घर, वही हमको साफ कर सकता है, वही हमारा जीवन बदल सकता है। जो बड़ा भाई है वो सबको नफरत से देखता है क्योंकि वो सोचता है वो महान है, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, और जिधर प्रेम नहीं है उधर ईश्वर है ही नहीं, जिधर प्रेम है उधर ईश्वर है, और ये अनुग्रह है ईश्वर का प्रेम। प्रेस गॉड। ये जब हमने इसको समझा ना, हम तो बहुत आनंदित हुए, हम बोले प्रभु हम छोटे भाई हैं और हमको हमेशा छोटे भाई रहना है, बड़ा भाई कभी नहीं बनना है, जिंदगी में बड़ा भाई नहीं बनना है, छोटा भाई रहेगा, आपके प्रेम में रहूँगा, आपके क्षमा में रहूँगा, आपके अनुग्रह में रहूँगा और अच्छे दिन देखूँगा, क्योंकि अनुग्रह हमको मिलता है इसके लिए हम पिता के घर पे हैं। अब ये बड़ा भाई अंदर आने से इनकार कर रहा है? अरे इनकार कर रहा है कि नहीं? तो कौन आया बाहर? पिता आए उसको समझाने के लिए। तो अभी भयंकर कौन है, बड़ा कि छोटा? बड़ा। दिखने में कौन है? तो हमारे हृदय में क्या है किसी को मालूम पड़ता है क्या? नहीं। उसके बाद क्या हुआ? 30वां पढ़ना और 31वां पढ़ना। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वैश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। 29 पढ़ना, 29। परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का एक बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आप, अभी 31 पढ़ना। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। वापस पढ़ना। बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। क्या बोला पिताजी ने? धीरे जाएंगे, फास्ट नहीं जाना है। क्या बोला उसको? क्या सच में बेटा था? अरे पिता ने उसको क्या बुलाया? क्या वो सच में बेटा था? रॉबर्ट क्यों सोच रहा है इतना, था कि नहीं था? लेकिन उसका व्यवहार उसके पिता के साथ बेटे का था? नहीं। क्या था? हाँ स्वार्थ। अरे यार तुम लोग को मैं इसके लिए वो एक वर्ष माइनस किया। 29 वापस पढ़ना। परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया,
देखिए मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा हूँ। क्या बोला? क्या बोला? पिताजी के लिए वो बेटा है। बेटा क्या समझता है? तो वो क्या समझ रहा है? आपने जो जो आज्ञा दिया मैंने वो पूरा किया, बेटा बनकर कि सेवक बनकर? तो पिता बोलता है जो भी मेरा है वो तेरा है। अगर तू सोचता था कि तू विश्वास करता था तू मेरा बेटा है, मेरे को पूछने की क्या जरूरत है यार? इतने सारी अंगूठी हैं, उठा ले, जो पहनना है पहन ले। अगर तू सोचता है मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरा बेटा है, जा कबड़ खोल ले, जो मंगता वो पहन ले। हाँ, अगर तूने नहीं पहना है उसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा सोचा नहीं, इसके लिए नौकर का सैलरी मिलता है। जो बेटा समझता है उसको सैलरी नहीं मिलता है, वो वारिसदार है, वारिसदार के हिसाब से सब कुछ पिता से मुफ्त में मिलता है। एक आदमी नौकरी कर रहा है और एक आदमी बेटा है, दोनों के काम करने में फर्क रहेगा? मैंने आपको उस दिन एक दिन उदाहरण भी दिया मेरे पिताजी के बारे में। रात को नींद नहीं आ रहा था पिताजी को, याद है? क्योंकि उन्होंने बोला तुम्हारा बड़ा भाई आता है काम पे, तू तो आता नहीं है, तो मैं तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं दूंगा, बोला था, याद है? याद है कि नहीं? तो बाद में 4 महीने के बाद पिताजी को नींद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि मेरा छोटा भाई बेटे ने धंधा छोड़ दिया है, घूम रहा है बगैर पगार का, बीवी है बच्चे हैं, तो पिताजी को नींद नहीं आ रहा है। तो मेरे को बोला तू अर्जेंट आके मेरे को मिल। मिला तो क्या किया? मेरे हिस्से का 4 महीने का दे दिया। मैं बहुत खुश होकर आ रहा है बाइक पे, तो मुझे एक आवाज़ क्या है, तेरा पिता सही नहीं है, उधर इतने आदमी लोग हैं, जो तेरे को रकम दिया उससे भी कई गुना कम वो लोग को दिया, वो लोग वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं, और उनको सिर्फ पगार दिया और तेरे को इतना बड़ा रकम दिया, ये नाइंसाफ है। तो मैंने बोला नहीं, ये नाइंसाफ नहीं है, क्योंकि वो लोग पिताजी के उधर नौकरी करते हैं, मैं तो बेटा हूँ, इसके लिए मेरे को ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? हाँ, लाभ में से हिस्सा मिलता है, मुझे नौकरी का पगार नहीं मिलता है क्योंकि मैं बेटा हूँ। तब प्रभु ने बोला अगर सब इंसान ये विश्वास करता है कि वो बेटा है बेटी है स्वर्ग के पिता का, तो उसको पगार नहीं मिलता है, उसको लाभ मिलता है। ताली बजाए ना, ताली बजाए ना, उसके बाद वापस वही होगा। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु महान प्रधान याजक, ईश्वर के पुत्र, जो धरती से स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग के पिता के बाजू में बैठे हैं, विनंती कर रहे हैं और हमको बोल रहा है जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया है उसको झपट कर बराबर पकड़ कर मुँह खोल कर ऐलान करना, क्योंकि उससे तुमको पगार नहीं मिलता है, उससे तुमको ईश्वर के राज का लाभ मिलता है। का है? सही है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ता है और मेहनत करता है कि पिता देना। पिता बोलता है जो कुछ भी मेरा है वो कैसे हो गया? यीशु के द्वारा।
और यीशु बोलता है मैंने तुम्हारे को वारिस का विल बना के रखा है, मैंने सब कुछ लिखा है, उसे ढूंढ, ओपन कर ले, ढूंढ ले, पढ़ ले, मुंह खोल के बोल दे, बाकी का सब तुमको वारिसदार होने के खातिर लाभ मिलेगा, पगार नहीं मिलेगा। इसीलिए जो ये जानता है वो हर रोज ईश्वर राज में लाभ स्वीकार करता है, दूसरा रो रो कर पगार पूछता है। ये जो संदीप ने गवाही दी ना, एक ज़माना तो वो भी पगार पे था ना, जैसे उसको पता चला अभी क्या कर रहा हो, अनुग्रह में रहता है। और जब उसको पता चला ये अनुग्रह मिलता है यीशु के द्वारा और उनके वचनों के द्वारा, अब उसकी ज़िंदगी कौन सी है, मेहनत की कि वचनों की? और कितने साल हम नौकरी करेंगे? जो अनुग्रह में रहता है वो नौकरी नहीं करता है। फर्क है। पिता बोलता है जो कुछ भी मेरा है किसका है? तुम क्या बोलते हो? क्या लिखा है, हमने पढ़ा था 2 पेत्रुस 1:3 में कि जो कुछ भी आप इस ज़िंदगी में भक्ति का जीवन जीना चाहते हो, स्वर्ग के पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ दे दिया है। तो दिया है तो ले रहा है विश्वास से कि बहुत मेहनत करना है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जो लिखा है उस पर ध्यान है कि संसार जो कर रहा है उस पर ध्यान है? तो हम अनुग्रह से जी रहे हैं कि अपने मेहनत से जी रहे हैं? भला करो तो तुमको भला होगा, इसीलिए जो अनुग्रह से जीता है, वारिसदार बन के जीता है, उसके ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होता है, तो सोचता है दूसरे लोग ऐसा ये क्या कर रहा है कि इसका छप्पर फाड़ फाड़ के मिल रहा है, वो सिर्फ एक ही कर रहा है, वारिसदार होने के खातिर खाते में जो लिखा है उस पर विश्वास करता है, मुंह से ऐलान करता है, हृदय से विश्वास करता है, और जो कुछ भी वो कहता है विश्वास करता है, वही हकीकत को बदलता है और नया हकीकत उसी जगह पे आता है। जरा माइक देना सिस्टर को, क्योंकि सिस्टर की अगर लाइट जल गई हम तो माला माल हो जाएंगे, स्कूल के कॉलेज के सारे बच्चों को सिखाएगी। इसके लिए हमारी अपेक्षा यही है जो लीडर है, जो कैटेगिस्ट है, अगर वो सीखता है तो हमको गांव जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम लोग जाके वही काम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इसका सबका प्रभु का वचन सबके लिए एक ही है। बोलिए सिस्टर जी। ये लोग माइक जानबूझ के बंद करके देते हैं सिस्टर, आपको हैरान करने के लिए। हम लोग जैसा जो बड़ा बेटा के जैसा आप सोचते थे उस प्रकार का मनोभाव को बदल करके अभी बेटा का मनोभाव आना है, तो मनोभाव में बदली करना है और होगा। सबसे बड़ा परीक्षा हमारा है प्रेम का। ये बेटा तो पिता का नियम तो पाल रहा था, लेकिन इसके अंदर प्रेम था, गुस्सा था, क्रोध था। हम कितने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? यीशु के लिए कर रहे हैं
कि सब लोग देखेंगे और बोलेंगे क्या बात है यार, मस्त है। अभी ये प्रेस एंड वर्शिप होता है, बाय चांस ऑर्गन बजाता है, बराबर है, ऑर्गन बजाता है तो कैसा होना है, परफेक्ट होना है। क्यों परफेक्ट होना है? क्योंकि सबको अच्छा लगना है। हमारी टीम में हम तो सबसे कमज़ोर लोग को लेता है, कि जब हम कमज़ोर लोग को लेता है हमको मालूम है हम फेल हो गए हैं, और जो फेल हो गया है वो खुद की मेहनत पे टिक ही नहीं सकता है, वो टिकता है ईश्वर के अनुग्रह पर। आज दोनों राधा और ये लोग दोनों बात कर रहे थे, अपनी स्टोरी बोल रहे थे, और बोल रहे थे दोनों हमारी ज़िंदगी क्या थी एक साल पहले। सब लोग हमको उंगली उठाते थे, हमारे पर थूकते थे, हमारी ज़िंदगी में जो जो घटना हुआ है उस पर उंगली उठाते थे, कुछ नहीं था। लेकिन आपने हम लोग को कैसे उठाया और लगा दिया प्लेटफॉर्म पर? हमने बोला हम तो ऐसे ही लोग को ढूंढता है जो टूटे हुए हैं, क्योंकि जो स्मार्ट होता है ना उसको दिखाना चाहते हैं, जो अनुग्रह में चलता है और जो स्मार्टनेस में चलता है, रात और दिन का फर्क है। जो अपने बुद्धि से स्मार्ट पे चलता है चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जो अनुग्रह पे चल रहा है थोड़ा बात करते हैं ले धमाका हो गया, और लिली को भी अभी झटका लग गया, वो जाके उधर खड़ी हो गई, उसको धक्का मारा ना पानी में, अभी तुम जाके प्रचार करो, छोड़ती नहीं है माइक, क्योंकि हर सेशन में वो देखती है मुंह से बोला इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं। क्यों? अब वो समझ में आ रही है कि इसमें स्मार्टनेस नहीं है, इसमें मोहब्बत है। जिधर मोहब्बत है फ्यूज मजबूत है, अब विश्वास काम करेगा। और विश्वास कहाँ पे काम करेगा? जहाँ अनुग्रह है। रोज रात को हम जाके पूछता है कैसा चल रहा है, ऐसा आनंद मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला। जब मैं देख रही हूँ दूसरे लोग जो आए हैं टूटे हुए आए हैं, उनके आँखों से आंसू निकल रहा है और उनके अंदर खुशी आ रही है कि वो लोग चंगे हो रहे हैं। क्या वो बाइबल स्कॉलर है क्या लिली? हाँ, लेकिन क्या वो यीशु के साथ उनका पहचान हुआ है? तो बड़ा बड़ा बात करती है, एक क्लास में जाके बैठी आप बोलेगा ये तो डिस्क्वालीफाइड है, कुछ पढ़ाती नहीं है, खाली दो वचन पढ़ा दिया वही वही पढ़ा दिए। लेकिन उन लोगों के जीवन में उतना काफ़ी है, वो बीज स्प्राउट हो गया, स्प्राउट अंकुरित हो गई। और जब वो बीज अंकुरित हो गई उन लोगों के जीवन में फटाफट कार्य हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जो कुछ भी मेरा है जो कुछ भी मेरा है सब कुछ तेरा है, तू तो मेरे साथ हमेशा था और हमेशा है, और जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। इसके लिए मजा आता है, सबको अनुग्रह है। जो हकीकत को बदलने वाला वचन है नहीं मालूम, और अगर है क्या वो शब्द तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है, तो आपका सबसे बड़ा खजाना क्या है? अरे सबसे बड़ा खजाना क्या है? वही वचन है, और उसी को तुम याद नहीं रखते हो तो चाबी घूम गई खजाना की।
तिजोरी की चाबी भूल गए। हालेलुया। अगर आप ये एक शब्द लेके बैठेंगे ना, जो कुछ भी मेरा है और तेरा है, जो कुछ भी यीशु क्रिस्त ने कहा है वचनों में, वो सब कुछ तेरा है, और उसे मेहनत करके नहीं पा सकेगा, विश्वास करके पाएगा। कितने लोग हैं जो सालों साल से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे अभिषेक देना, मेरे हाथों को अभिषेक देना ताकि मैं हाथ रखूँगा और चमत्कार होगा, हे प्रभु यीशु देना, मैं 40 दिन उपवास करूँगा, मुझे दे। दूसरा, हे प्रभु यीशु आप इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं कि मैंने एक भी कार्य ठीक से नहीं किया, फिर भी आपने मुझे क्षमा किया है और आपके अनुग्रह के अनुसार आपने मुझे वरदान दिया है। एक प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वरदान से मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूँ, बल्कि आपके राज्य में इस्तेमाल करूँ। धन्यवाद प्रभु, मुझे मिल गया है और मैं जा रहा हूँ आपका कार्य करने। बस खजाने में से निकाला यार, इतना ही है, सुना गया, इतना ही है, नहीं सुना? आश्चर्य हो रहा है, इतना ही है, मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, जो लिखा है दिखता नहीं है, जो लिखा है इंद्रियों से समझता नहीं है, लेकिन जो लिखा है उस पर यकीन किया है, भरोसा किया है, विश्वास किया है, तो काम चालू हो गया। क्या आपको जब आप एक दो तीन चार पाँच छः इनकी टीम है, ठीक है, और एक जना के बोलता है, हमारी प्यारी बिटिया के बोलती है अब दूसरों को, मैं आज गई थी मेरे गांव में और उधर एक आदमी पड़ा था जो ऐसा लग रहा था मरने वाला है, बहुत सालों से बीमार था, तो मैंने जाके उधर हाथ रखा और ले ओ तो खुद चंगा हो गया, पूरे गांव में चर्चा हो रहा है और उन लोग ने मेरे को वापस बुलाया प्रार्थना के लिए। बाकी का 5 लोग सुन रहे हैं, अंदर हो रहा है, इसका नंबर लगा, अपना तो नहीं लगा, नहीं हो सकता सिस्टर जी नहीं हो सकता है। तो ये 5 जन कौन है अभी, बड़े बेटे हैं कि छोटे? जब किसी का अच्छा हो रहा है और पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और तुम्हारे हाथ से अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है, तो अंदर कुछ हो रहा है? हो रहा है। ये किसको हो रहा है? बड़े बेटे को हो रहा है। रॉबर्ट ऐसा हो सकता है? होता भी है ना? होगा नहीं, होता है, मेरे को दूर से पास आता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जितना हम दूसरों के साथ सेलिब्रेट करता है, जैसे हमारे बच्चे लोग आते हैं गांव से और बोलते हैं ये हुआ वो हुआ, मैं तो ताली बजाता है छोटे बच्चे जैसा, उनके साथ मैं सेलिब्रेट करता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ यार अपना कस्टमर सब ये लोग लेके आ रहे हैं, सब लोग मेरे तरफ देख रहे थे, आजकल मेरे को कोई नहीं देख रहा है, सब लोग ये लोगों को देख रहा है, देख रांची में हमको नहीं बुलाया, वो लोग को बुलाया है। हो सकता है जलन? हो सकता है। हमने किसी को पढ़ा है और वो मेरे से आगे निकला, जलन हो सकता है? हो सकता है। ये कौन है? बड़ा बेटा है। बाजू वाले को पूछना, थोड़ा ऐसा करके बास मार रहा है। अरे थोड़ा देखना बास आ रहा है क्या बाजू वाले को? दो प्रकार का बास है, एक सुअर का आता है, एक जलने का आता है।
हालेलुया हालेलुया। और ये बहुत बहुत महत्व का है, क्योंकि जब आप मिनिस्ट्री कर ले जाओगे साथ में, एक के खातों से बहुत जबरदस्त हो रहा है, दूसरे दो लोग हैं साथ में, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो बहुत दिमाग घूम जाता है। क्योंकि हम जब स्टार्ट किए ना, तो ग्रुप में करीब करीब 17 साल से कैरिस्मेटिक वाले थे, मैं तो खाली 1-1.5 महीने का था। 1-1.5 महीने में अपने हाथों से चमत्कार होते थे, शैतान की डिलीवरेंस होती थी, ये सब होता था, और मैं सोचता था मैं बहुत खास है। लेकिन जो दूसरे थे 17 साल से, वो लोग के हाथ से हेडेक भी नहीं आ जाता था। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको डर था, क्योंकि उनको सिखाया था संभाल के जाना, नहीं तो वो बीमारी तुम्हारे पर आएगी। अब जब ऐसा होएगा कोई जाएगा हाथ डालने, वो लोग हाथ हमेशा दूर रहता था और दूर से प्रार्थना करते थे। फिर एक दिन मैंने उनको बोला, आपने छुआ नहीं फिर भी दूर है, वाईफाई फिर भी चलता है, जिधर डर है वो जरूर तुमको पकड़ेगा, जिधर डर नहीं है वो तुमको नहीं पकड़ेगा। ये जो जलन है ना, जलन बड़ा भाई का आत्मा है। खास करके हम लोग लड़के लोग को जलन जल्दी होता है, लड़की लोगों को तो कभी होता ही नहीं है। लड़के लोगों को जरा कुछ हो गया फट करके जलन होएगा, लड़के लोगों को देखो कभी जलन नहीं होता है। हाँ, तो मतलब लड़के लोग सब बड़े भाई लोग हैं, क्यों पढ़ रहे? तेरे को बोला क्या? मैं बोला सब आदमी लोग ऐसा है, हमको तुरंत जलन होता है। औरत लोग होता है? नहीं होता है। वेरी गुड, नहीं होता है। तो बड़ा भाई का आत्मा है, तो नेक्स्ट टाइम होएगा तो आपको क्या करना है? प्रेम करना है, न तो ये जलन में तुम घर के बाहर जाओगे। ये बड़ा भाई वापस घर गया, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उसने एक बोला, मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा। प्रेज गॉड। खतरनाक कौन है अभी, बड़ा कि छोटा? प्रेम किसके अंदर है? बड़े बेटे में क्या है? नियम है, लाश में बचा कि नहीं? छोटा बेटे में लपड़ा ज्यादा था, प्रेम है, पछतावा है, पछतावा है, बच गया। इधर कोई छोटे बेटे थे? छोटे बेटे थे, पछतावा हुआ? हुआ। घर में आया, अभी दूसरे को देख के जलन हो रहा है? जब तुम तुम्हारी ज़िंदगी जिए, हम हमारी ज़िंदगी जी, और हम अभी बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा हुआ, और अब देख रहे हैं आप प्रभु इतना कार्य कर रहा है, जलन होगा कि नहीं? हाँ, जलन होगा कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलती उनका नहीं है जो फ़ोन कर रहा है, वो सोचता है ये लंच टाइम है। हमारा लंच ब्रेक तो कभी भी होता है ना, जलन हो रहा है। हालेलुया। तो घर में किसी को ज़्यादा मिला किसी को कम मिला, बड़ा भाई रहेगा तो क्या होएगा? बड़ा भाई रहेगा तो जलन होगा। तो अब इसे जलन होएगा तो कौन सा आत्मा है? खतरनाक है कि नहीं? लेकिन नियम तो पालता है कि नहीं? लेकिन अंदर गुस्सा भी ज़्यादा है, क्रोध भी ज़्यादा है, उंगली भी उठा रहा है, सामने वाले को बोल रहा है वो तो वेश्या के साथ था, मेरे को देख मैं अभी तक वो नहीं किया है। लेकिन जिधर प्रेम नहीं है
उधर सब कुछ खत्म हो गया। प्रेस गॉड, लिखिए। जब छोटा भाई होश में आया, जब छोटा भाई होश में आया, उसने पश्चाताप किया और उसके पिता ने उसे स्वीकार किया प्रेम किया और क्षमा किया। सब कुछ उसे वापस लौटाया, सब कुछ उसे वापस लौटा दिया। लेकिन जब बड़े भाई को पता चला कि छोटा भाई वापस आया है, उसके अंदर गुस्सा आया। और पिता ने जो खोए हुए बेटे को मिलने पर दावत दी थी, उसमें भाग लेने से इनकार किया। पिता के विनती के बावजूद बड़े भाई में अपने छोटे भाई के खिलाफ कड़वाहट हुई। क्योंकि उसे महसूस हुआ, कि उसकी मेहनत उसे क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई को क्या बोलते हैं? हाँ, पास तो इंग्लिश हो गया ना, क्या बोलते हैं? पुतनी। उसे सफल करता है, अपने पिता की मेहरबानियों के लिए। वो देखता है
कि उसका छोटा भाई पिता के मेहरबानियाँ वो देखता है कि छोटे भाई को पिता के मेहरबानियों से भर दिया है, जबकि वो उसके लिए योग्य नहीं है, जबकि वो उसके लिए योग्य नहीं है। इसी तरह हमारे ज़िंदगी में हमारे कार्य से हमने नियमों को तोड़ा है, और हम भी ईश्वर की मेहरबानियों के लिए हम भी ईश्वर के मेहरबानियों को पाने का योग्य नहीं है। फिर भी पिता हमें यीशु द्वारा योग्य बनाते हैं, और आशीर्वाद से भरते हैं। जब जब हम दूसरों के जीवन में पिता के मेहरबानियों को देखते हैं, और हमको जलन होता है हम बड़े बेटे के समान होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कुछ सीखने मिला? अनुग्रह और नियम के बारे में फर्क मालूम पड़ रहा है अभी? हाँ, कौन सा अच्छा है जीना? अरे बोलो बोलो, कौन सा अच्छा है? तो अभी से नियम में जाना है, अनुग्रह से जीने के लिए वचनों का जानकारी होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप अनुग्रह में नहीं जी सकते। धन्यवाद प्रभु, आपने जैसे फैरिसियों को सिखाया कि भले वो लोग फैरिसी थे, बुद्धिमान थे, वचनों में थे, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं था। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ईश्वर कार्य नहीं कर सकता। बड़े बेटे के जैसे वो लोग जलन हो रहा था, क्योंकि यीशु आप पापियों के साथ बैठे थे, उनको सिखा रहे थे, पश्चाताप करने मार्ग सिखा रहे थे, स्वर्ग के राज में प्रवेश करने सिखा रहे थे। उसी तरह प्रभु हम भी काफ़ी लोगों को मिलते हैं जिनके ऊपर आपकी मेहरबानी है, आशीष है, आशीर्वाद है, और जब हम देखते हैं कि इनकी पिछली ज़िंदगी इतनी भयंकर थी और फिर भी उनका जीवन इतना अच्छा है, बहुत बार हमको भी गुस्सा आता है, जलन होता है, और हमारे मुंह से भी गलत शब्द निकलते हैं। ए प्रभु, हमको बड़े भाई जैसा नहीं रहना है। हमारे मेहनत से हमें
आपका अभिषेक मिलेगा, ये विश्वास हमारा गलत है। आपके अनुग्रह से ही हमको आपका स्वर्ग का राज मिलता है, और ये मिलने के कारण हमारी ज़िंदगी में महान कार्य होता है, चमत्कार होता है। और यही अनुग्रह जो हमको मिला है, इसी अनुग्रह को लेकर हम दूसरों को भी सिखाते हैं कि इसी अनुग्रह से जीने से स्वर का राज सच्चाई और अनुग्रह का है यीशु द्वारा। ए प्रभु यीशु, आपके उदाहरणों से, दृष्टांतों से सत्य आप सिखा रहे हैं, और इसी सत्य से हम हमारे जीवन को चलाना चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि इसी से चलाकर हम हमारे खुद के जीवन में महान महान कार्य होते हुए अनुभव कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमेन। प्रेज गॉड। क्रिस का चिन्ह इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड होली स्पिरिट आमेन। तो प्रभु ने अभिषेक किया हुआ खाना खाने जाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। प्रेज गॉड। सेलिब्रेट करेंगे, और हमारे सबके हृदय में बड़े भाई का आत्मा निकल गया है और छोटे भाई का आत्मा, पश्चाताप का आत्मा आ जाए आ गया है, और छोटा भाई अभी पिता का घर छोड़ने राजी नहीं है। प्रेज गॉड। तो जाकर एक घंटे में वापस आ जाएंगे हम लोग। आज मिलेंगे 4 बजे, 4:15 आएंगे, और 4:15 टंग्स चालू करेंगे, फिर 4:15 चालू करेगा क्लास।